हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की वूल ली है, 9 नंबर सलाई ली है। और इसको आप साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें से देखिए, किसी भी कलर से आप फंदे ले लीजिए, आधे फंदे आपको लेने हैं, जितने फंदे का आप बनाएंगे उसके आधे एक कलर से। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे हमने ये ब्लैक कलर से लिए हैं। आप 20 भी ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो आप 20 फंदे एक कलर से ले लीजिए, 20 फंदे एक कलर से, 40 फंदे का भी आप बना सकते हैं। फंदे आपके पेयर के हिसाब में ही होने चाहिए। ये देखिए अलग अलग फंदे हमने दोनों कलर से डाले हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये देखिए ऐसे। अब देखिए हमने ये 20 फंदे ले लिए। इसी तरह से आप जितने भी फंदे लेंगे, आप 20 फंदे लेके 40 फंदे का बना सकते हैं। और साड़ी और चुन्नी से आप बनाएंगे तो उस हिसाब से आपको फंदे लेने होंगे, क्योंकि कपड़े की पट्टी थोड़ी सी मोटी होती है और इसमें फंदे बढ़ेंगे भी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट रो देखिए इस तरह से यहाँ से घुमाएंगे, एक फंदा हम बढ़ाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे हो गए। एक बढ़ा लिया मैंने, 10 डाले थे। अब इसको हम देखिए ऐसे करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा टाइट करके हम इसे बुनेंगे। ये ज्वाइंट यहाँ पे होता जाएगा। यहाँ से देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और देखिए 10। अब यहाँ से हम पलट लेंगे, यहाँ से अब हम एक फंदा इधर बढ़ाएंगे, ऐसे घुमाएंगे इस पे से लपेट के, एक फंदा बढ़ा लिया देखिए यहाँ पे इस तरह से। दोनों तरफ हमें एक एक फंदा बढ़ाते हुए अभी इसको बनाना है ऐसे। अब देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे क्रॉस कराएंगे इसके ऊपर से, और पिंक वाले को ऐसे लाएंगे आगे। अब हम यहाँ से पिंक से बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ये 11 ऐसे पलट लेंगे। अब देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, ऐसे घुमाएंगे एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 अब देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे इधर को, और ब्लैक से थोड़ा सा टाइट करके हम यहाँ से बनाएं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ से पलट लेंगे। देखिए यहाँ से हम वापस एक फंदा ऐसे घुमाते हुए इधर भी बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसको हम ऐसे क्रॉस कराएंगे, इसको आगे लाएंगे। ये देखिए
पिंकी से बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये देखिए यहाँ से हम पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम वापस ऐसे घुमाएंगे, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये देखिए इसको उधर करेंगे, यहाँ से इससे बुनेंगे, ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ से ऐसे देखिए, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13 फंदे हो गए। और देखिए यहाँ पे 3 फंदे मेरे पास ये बढ़ गए। अभी हम इसी तरीके से यहाँ पे 2 फंदे और बढ़ाएंगे तो टोटल यहाँ पे 5 फंदे इधर बढ़ेंगे, 5 फंदे इधर बढ़ेंगे। हमने 10 फंदे डाले हैं, 5 हमने यहाँ से बढ़ाए हैं। अगर आप 20 फंदे डालेंगे तो आप 10 बढ़ाएंगे। ये रो भी आप अपने हिसाब से बढ़ा लेंगे, फंदे भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। तो हम इस तरह से अभी 2 फंदे हम इधर और बढ़ाएंगे, यहाँ पे फंदा बढ़ाते हुए ये रो हम कंप्लीट करेंगे। इतना कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने एक एक करके ये 5 फंदे इधर बढ़ाए, 5 फंदे इधर बढ़ाए, तो हमारे पास 15 फंदे इधर हो गए, 15 फंदे इधर हो गए, 30 फंदे हो गए। 20 से मैंने स्टार्ट किया था, 5 इधर बढ़ गए, 5 इधर बढ़ गए। और देखिए यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 रो आपकी हो गई। अब हम सेंटर में आ गए हैं, कली जो बन रही है उसके हम सेंटर में आ गए। अभी तक हम फंदा बढ़ा रहे थे, अब हम फंदा घटाएंगे इधर से भी और इधर से भी। तो देखिए इस तरह से इधर से हम यहाँ से ऐसे 2 का 1 कर लेंगे। उसके बाद देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एक घट गया, 15 हो गए थे। अब देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेंगे और यहाँ से हम ब्लैक से बुनेंगे। ये देखिए इसका जो ज्वाइंट आएगा वो भी ऐसे आएगा, देखिए बिल्कुल अलग तरीके से। यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और देखिए ये 2 का 1 कर देंगे ऐसे 14। अब देखिए यहाँ पे भी एक फंदा घट गया, एक यहाँ पे घट गया। अब हम यहाँ से इसको ऐसे ही बना लेंगे, दोनों तरफ से इसको उल्टा ही बुनना है। बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ तक हमने ये बना लिया, इसको हम क्रॉस कराएंगे ऐसे। यहाँ से देखिए पूरी रो हम इसी से बना लेंगे, पिंक कलर से इधर के फंदे। ये देखिए अब देखिए हम फिर से पलट लेंगे, यहाँ से हम वापस 2 का 1 कर देंगे। देखिए अब देखिए इसको हम ऐसे ऐसे कर लेंगे इधर को, यहाँ से हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 और देखिए 2 का 1 13। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 2 रो में 2 फंदे घटा दिए, 2 इधर और 2 इधर। तो अब हम 3 फंदे अभी और घटाएंगे एक एक करके, तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट में 10 फंदे पिंक के बचेंगे, 10 फंदे ब्लैक के बचेंगे। तो इतना करके हम फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने 5 फंदे घटा दिए दोनों तरफ से, जो हमने यहाँ से ऐसे 5 फंदे बढ़ाए थे वो मैंने घटा दिए। अब मेरे पास 10 ब्लैक के हैं और 10 पिंक के हैं। और देखिए 5 रो में हमने फंदा बढ़ाया था, 5 रो में घटाया, तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ही रो पड़ी हैं हमारी यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा फंदे डालेंगे और ज़्यादा फंदे बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा घटाने पड़ेंगे। अब देखिए हम ये पिंक वाला कलर यहाँ पे लाएंगे और ब्लैक वाला यहाँ पे लाएंगे। तो देखिए उल्टे तरफ से हम ये ऐसे उनको यहाँ से 1, 2 और देखिए ऐसे कर लेंगे ताकि ये धागा बैक साइड से ज़्यादा लंबा ना दिखे। 3, 4, 5, 6 ये देखिए 7 और इसको हम ऐसे 8, 9 और देखिए ये 10 ऐसे 10 फंदे ये हो गए। अब हम ब्लैक वाले इस पिंक कलर से बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये देखिए यहीं से पलट लेंगे। अब यहाँ से हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे, जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुनेंगे। यहाँ से अगली कली स्टार्ट हो जाएगी। इस रो को कंप्लीट करने के बाद हम फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 10 फंदे बुने, ब्लैक को इधर किया ऐसे, अब ब्लैक से बुनेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से जैसे हमने एक एक फंदा 5 रो में 5 फंदे बढ़ाए, वैसे ही हम दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए एक बार हम आपको और बता देते हैं, ऐसे घुमाएंगे इसको बुन लेंगे और देखिए उसके बाद हम ये 10 फंदे बुनेंगे ऐसे। ये 10 हमने ब्लैक से बुन लिए और यहाँ पे अब हम पिंक से बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए इधर से हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे। फंदा बराबर हमें दोनों तरफ एक एक बढ़ाना है। ऐसे ये देखिए इसको हम ऐसे क्रॉस करा देंगे, ब्लैक को आगे लाएंगे ये देखिए ऐसे। अब देखिए हम इसको ऐसे ही बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे, तो हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने चौड़ाई के हिसाब से इसकी लंबाई को बना लिया। तो देखिए 1, 2, 3, 4 4 कली मैंने कंप्लीट कर ली। अब मेरे पास टोटल फिर से 20 फंदे हैं, तो अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे। आप जितना मर्जी इसकी लंबाई रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम 2 का 1 करते हुए जाएंगे ऐसे इस तरह से। तो हम सभी फंदे इसी तरीके से बंद करके कंप्लीट करेंगे।